तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये अभी हम जो कि 4 बजे हमें भूख लगी और हम ये पिज़्ज़ा खाने का वेट कर रहे हैं और पिज़्ज़ा बॉय का वेट कर रहे हैं। ये देखिए हमें जैन भाई मिले। कोई भूख भूख नहीं लगी आज, हमारे सीनियर विला जी आए हुए थे तो हमने गेम शेम लगाई लूडो की, कि भाई पहली गेम लगाई वो जीत गए, दूसरी गेम लगाई हम जीत गए, हम फुल चौड़े में। हमने कहा भाई आज एक और गेम देखते हैं तुमने। अब हमने गेम लगाई थी यार गए और फिर बदले में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। पिज़्ज़े वाले का वेट कर रहे थे, पिज़्ज़ा आ ही नहीं दे रहा यार। डिलीवरी वाले को कॉल करके देखते क्या कहते हैं। करो यार करो, मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत आया। खैर दस हमें लगी है मुझे और उमर को, लेकिन मज़ा आया। अभी उसका वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये आप देख सकते हैं एनडी रात में कितनी प्यारी लग रही है हमारी एनडी, माशाल्लाह। यार अभी हमारी उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि बस मैं पहुंचने वाला हूँ सर, सॉरी फॉर दम। चलो ठीक है आ जाए, बस वेट कर रहे हैं। और ये सामने इवेंट चल रहा है जो कि सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल ही रहा है। पता नहीं किसको बुला रहे हैं, किसको मना रहे हैं, ये लोग मान के नहीं दे रहा है इनको। माशाल्लाह से प्यारे प्यारे सिंगर आए हुए हैं, इनकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में। आ जाओ यार, किधर रह गए? आजा यार आजा भाई। वो आ गया है हमारा, यानी कहाँ रह गए थे तुम? फोन पे लगे हुए हो माशाल्लाह से, भूख बना रहे हैं ना यार तुम्हारा, तुम भी आओगे? नहीं यार, ये हमारे पिज़्ज़ा बॉय को देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से हंसते हुए आए हैं फोन पे बात करते हुए। पिज़्ज़ा में बहुत टाइम लगाया इन्होंने, पर आ जाओ दे दो। नीचे रख लो यार, अरे बहुत प्यारे आ रहे हो, आईफोन है माशाल्लाह से। हाँ भाई उमर, क्या टाइम हो रहा है? हाँ टाइम 3 बज रहा है और अभी हम आए हैं अपने एनईडी के मेन गेट पर, पीछे बैंक है, उसमें अभी हमने क्या करना है? एटीएम यूज़ करना है। क्यों? रात को जो क्रेविंग होती है ना, बस तो इसका अपना ही चेस। तो अभी ऑर्डर दिया है, अभी ऑर्डर दिया है हमने, पीछे हम कैश निकालेंगे, उसके बाद हम मस्कन गेट जाएंगे और ये सब हम पैदल कर रहे हैं। क्योंकि यार अभी जो नवंबर की शामें और इतना ठंडा मौसम, रातें बल्कि शामें तो क्या रातें, इतना ठंडा मौसम बहुत मज़ा कराता है। और एनईडी ऊपर से इतनी पुरसकून, इतनी आरामदेह के जिसकी कोई इंतहा। इसीलिए बने आतिफ नवाज खोखर साहब, सॉरी आतिफ नवाज मलिक आतिफ नवाज मलिक। तो अभी वो हमें ये सब करवा रहे हैं और मतलब वो बहुत ग्रेट सीनियर है यार। अभी आपको पता हो कि हमारे पास यहाँ सीनियर्स चलते हैं, तो ये हमारे आर्मी के सीनियर हैं, आर्मी ब्रेड्स कम्युनिटी के, बहुत नाइस बंदे हैं यार। मैं अब उनकी क्या ही तारीफ करूँ, लेकिन वो बंदे बहुत ग्रेट। अभी तो पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, तारीफ करनी पड़ती है। ये बिल्ली भाई हॉस्टल से हमारा पीछा करते हुए अभी एटीएम तक पहुंच गई है, पता नहीं इसका क्या सीन है। पूछते हैं हाँ भाई क्या सीन है तुम्हारा? एक तो डर भी बहुत लगता है यार, रात को इस वक्त बिल्लियों के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए। आ जाओ भाई चले। जिंदगी में पहली बार एटीएम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ भी नहीं करना था। दो दफ़ा मशीन इसको वापिस दे चुकी हैं कि भाई सही से करो, क्या कर रहे हो? पिन गलत लग गया था। हाँ भाई किसी और का एटीएम यूज करोगे तो पिन गलत हो ही जाएगा यार, अपना ये ऐसी बात नहीं। अच्छा मैं आपको ना कल का सीन बताता हूँ, कल क्या हुआ। कल भी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मैं यहाँ पर कैश निकलवाने आया,
अब मैं एटीएम यूज़ कर रहा था कि ये जो दरवाज़ा बैंक के अंदर खुलता है, अभी बताते हुए डर लग रहा है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि उम्र साथ है। अचानक अंदर से जैसे कोई कुर्सी खींच रहा था कि आवाज़ आती है, मेरा डर गया था यार, पीछे से आते भाई आ गए थे कल भी इसी तरह के अंदर। अब मैं अकेला था तो अंदर से किसी ने कुर्सी चेयर को खींचते जैसे चर की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आई और भाई मेरे तो हशाश बशाश हो गए। अभी इनसे काम नहीं हो रहा तो हम इनको करके दिखाते हैं कैसे होता है। अभी इस एटीएम के नाकाम कोशिश करने के बाद लगता है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे उन्होंने सुन ली है। अभी हम दूसरी बैंक में जा रहे हैं, वहाँ ट्राई करते हैं, वहाँ ट्राई करते हैं कि क्या सीन है कि वहाँ से कैश निकलेगा या नहीं। लेकिन मुश्किल वक्त चल रहा है इस वक्त, देखते हैं क्या होता है। ये बिल्ली हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहोगे, क्या हो सकता है ये? बिल्ली मुझे कुछ मशकूक लगती है, मशकूक लगती है भाई, इसमें कुछ है। ये 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 क्या करना चाहती है, ये क्या करना है? ये बहुत मुझे लगता है एकदम खुलेगा भाई। अभी उम्र की भी, ओ भाई किधर आ रहे हो, किधर आ रहे हो, छोड़ो छोड़ो भाई। पैसे नहीं मिले हैं, अब क्या करना, मसला हो गया क्योंकि हम ऑर्डर पहले दे चुके हैं और वो बंदा मस्कन गेट पे आने वाला है। हमने दोनों एटीएम ट्राई किए, पैदल हैं यार, अजीब, मतलब क्या सर्विस दी हुई है इन्होंने कि 12 बजे के बाद गेट बंद होते हैं, बच्चे बाहर जा नहीं सकते। अब हम यहाँ पर डिलीवरी करवाते हैं तो हमारे पास एटीएम्स होते हैं जिनके अंदर पैसे होते हैं। अब हम गए थे बैंक एटीएम निकलवाने, लेकिन दोनों एटीएम आउट ऑफ सर्विस थे, किसी में कैश नहीं था, किसी में नेटवर्क का इशू। तो अब जा रहे हैं, देखते हैं कुछ करते हैं, किसी से अब उधार लेने पड़ेंगे, देखते हैं यार, किसी हॉस्टल में लड़के जाग रहे हैं तो उनसे बात करते हैं। जैन और आतिफ भाई जा रहे हैं, पिज़्ज़ा बॉय आ चुका है, उसकी कॉल आ गई है, ये थोड़ा तेज़ जा रहे हैं, मैं वीडियो बना लूँ, मैंने बोला। जैन आतिफ भाई के साथ एक और बंदा भी जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये बंदा हमारे पीछे बैंक से लगा हुआ है, पता नहीं इसका क्या इरादे हैं हमारे साथ, क्या सीन है। मुझे तो भाई बिल्ली एक खौफ आ रहा है, ऐसे बहुत डर लग रहा है। ये डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, रात को जो एनर्जी लगती है ना, बस एनर्जी रात को बहुत प्यारी है भाई, दिन में तो है ही प्यारी, रात को तो बस जन्नत, एनर्जी लव। कल हमें याद आएंगे, कॉर्पोरेट क्लेम आ जाएगा, अपनी आवाज़ में गा रहे हैं भाई, ये वाला कौन क्लेम नहीं बन सकता, ना कोई ट्यून है ना कुछ। अच्छा लफ्ज़ भी उन्होंने खरीद लिए, कोई शायर सुनाए आतिफा जी, आज कोई शायर सुनाए यार मनपसंद, वो जो तामीर होने वाली थी लग गई इस इमारत को, ये हमारी फ्यूचर की जॉन एलिया ने बयान कर दिया, बहुत पहले कर दी। फ्यूचर की जॉन एलिया लड़की है, जॉन साहब ने बहुत पहले से ये प्रेडिक्शन दे दी थी कि एक इमारत तामीर होने से पहले ही गिर जाएगी। वैसे हमारे जो हजरत अलामा मौलाना जॉन एलिया रहमतुल्लाह अलैह जो थे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने उनके कलम को बहुत बहुत तरक्की नसीब की, जो बात बिल्कुल। अलबत्ता कुछ बातें जो दोस्तों के दिल जबान से निकल जाती हैं हमारे बारे में, उसके ऊपर भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो जो
ये हमारा पॉइंट एरिया जहाँ पर हमारे उमर भाई, हमारे उमर भाई का पॉइंट एरिया है। बहुत प्यारा एरिया है, बहुत प्यारा, दिस इज हमारा फेवरेट प्लेस। और ये हमारा न्यू डिपार्टमेंट है, फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग। अभी हम अपने केमिकल डिपार्ट के सामने बैठेंगे, यहाँ बैठ के